जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, आपका परिवार, आपके मित्र सभी कुशल होंगे और होना भी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। अगर जीवन में आप कोई तकलीफ़ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क फीस लागू है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह जो चार लोग हैं इन्हें हम घर में कभी ना आने दें, क्योंकि यह चार लोग घर में कलह, आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद, तनाव और एक कुशल जीवन को नेगेटिव वे में नकारात्मक रास्ते की ओर धकेल देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है कि इन्होंने हमारे साथ इस तरह की चीज़ें कर दी गई है। तो वो कौन लोग हैं, उनके कैसे पहचाने और उनको उनसे हम कैसे बचें और किस तरह से हम इन हालातों से बाहर आ सकते हैं, तो इस पूरे वीडियो को आप आखिरी और अंत तक देखें और चारों व्यक्तियों को पहचान लें ताकि आपके जीवन में एक बड़ी परेशानी आने से पहले आप बच सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करें, चर्चा को थोड़ी सी आगे ले जाएं, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। कमेंट्स में आपको लिखना है ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, क्योंकि भोलेनाथ का नाम लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इस बहाने हम ईश्वर का नाम ले पाएंगे। सबसे पहले और मुख्य लोग जिन्हें हमारे घर में नहीं आने देना चाहिए, वो लोग जो लोग आपको अन्य व्यक्ति की बुराई करते हैं। अब यहाँ से बात को बहुत गंभीरता से समझ कि जो व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति की बुराई आपके सामने कर रहा है तो ये आप मान लीजिएगा कि आपकी बुराई भी वो अन्य किसी व्यक्ति के पास कहेगा। जब कोई व्यक्ति बुराई करता है ना तो हम भी भावुक होकर कुछ बातें कह देते कि अरे देखिए वो तो ऐसा है, वो है, ये है, और बस यही जो एक मौका है वो अपनी तरह से नमक मिर्ची मिलाएंगे और वो बात सामने वाले को पहुंचा देंगे। हमारा इंटेंशन, हमारा कहने का तरीका वो नहीं था, लेकिन वो अपने तरीके से उस तरीके को बताकर दो व्यक्तियों के बीच विवाद खड़ा कर देते हैं। अच्छे खासे संबंध, अच्छे खासे रिश्ते, अच्छा खासा एक सामान्य जीवन जो है इस छोटी सी बात से तकलीफ में आ जाती है और ज़्यादातर गलतियाँ इसी विषय पर होती है। तो पहले ये व्यक्तियों को आप अंडरलाइन कर लें। दूसरे वो लोग जो लोगों की नीयत साफ नहीं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वो महिलाओं को बिल्कुल इस तरह से देखते हैं कि कोई शब्द नहीं मिले, ऐसे जो नीयत ख़राब वाले लोगों के पास कभी ना रहे, ना इनके पास बरकत रहेगी और ना कभी इन पर ईश्वर की कृपा रहेगी, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। तीसरे वो लोग जो लोग लालच करते हैं, जैसे लालच में ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लालची लोगों से हमेशा दूर रहें, उन्हें घर ना आने दें क्योंकि उनके लालच के चक्कर में हम भी तकलीफ़ में फंस जाएंगे। और चौथे और मुख्यतः जो नशा और व्यसन करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे हमें भी नशे और व्यसन में धकेल सकते हैं। तो यही चार लोग हैं जो हमारे घर में इन्हें ना आने दें, इनसे आप बचें। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।